उद्यान विभाग विकासखंड देहरा व प्रयागपुर के अंतर्गत फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग के बारे में 5 दिवसीय प्रशिक्षण लगाया गया। इस शिविर में खंड देहरा व प्रयागपुर से कुल 40 महिला किसानों व बागवानों ने भाग लिया। इस शिविर में सभी महिला किसानों को मौसमी फल व सब्जियों के पदार्थ, सब्जियों का अचार, मशरूम का अचार, चटनी, स्क्वैश, सिरका, फलों का जैम इत्यादि बनाने की विधि व उनका वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण करना सिखाया गया। इसके अतिरिक्त बागवानी विभाग की सभी स्कीमों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर के एस नेगी, SMS डॉक्टर जे एस कुमारा, फ्रूट टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर नरोत्तम कौशल, HTO डॉक्टर संजीव नरियाल, HEO डॉक्टर राजेश शर्मा और देहरा व प्रयागपुर से HEO डॉक्टर रंजना भारती, डॉक्टर आरती धीमान, डॉक्टर काजल, डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर अरुण उपस्थित रहे। कमलशील नेगी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आज हमारा यहाँ देहरा में 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर था प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे, जो कि हमारे SMS देहरा डॉक्टर जोगिंदर गोमरा जी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था 40 वीमेन फार्मर्स के लिए देहरा और प्रयागपुर ब्लॉक की, तो इसका आज लास्ट डे यहाँ पे कंक्लूडिंग डे जो है उसमें मैं आया हूँ। तो इस प्रशिक्षण शिविर में जैसे मैं डॉक्टर गोमरा से डिस्कस भी कर रहा था, इसमें प्रैक्टिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे अचार बनाया जाता है, चटनी कैसे बनाई जाती है, सॉस कैसे बनाया जाता है, जैम कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में 5 दिन में प्रैक्टिकली पूरी ट्रेनिंग इन वीमेन फार्मर्स को यहाँ दी गई। आप जैसे देखते हो कि हमारे देश में लगभग 25 से 30% जो फार्मर का फ्रूट और वेजिटेबल जो प्रोड्यूस होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि लोग जो है पोस्ट हार्वेस्ट या प्रोसेसिंग जो है ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये प्रोड्यूस लॉस होता है, इसको हम कैसे उपयोग करें, कैसे हम इससे वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल डॉक्टर साहब के सौजन्य से यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी।